सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द सेकंड डे ऑफ द यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स 2019 का आज दूसरा दिन है ये। तो आज हम लोग 2009 और 2010 का जो यूपीपीएससी का पेपर है उसको एनालाइज करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए थे प्रीवियस 10 ईयर में। हमने सोचा था इसको कवर करेंगे, तो आज हम लोग लास्ट जो 9th और 10th ईयर मतलब 2009 और 2010 का हम लोग पेपर देखेंगे। तो मायसेल्फ निहित किशोर एंड आई एम टेकिंग योर क्रैश कोर्स। तो टुडे इज द सेकंड डे, तो लेट अस बिगिन विद द डिस्कशन। तो 2009 के क्रैश कोर्स की अगर बात करें, पेपर की बात करें, तो हम लोग बेसिकली हमारा जो अप्रोच होगा इस न्यूज़ जो क्वेश्चन पेपर को देखने का वो कैसे होगा, हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एरिया वाइज कैसे कैसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ताकि लास्ट में आपके पास 10 साल के जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस होंगे आपके पास सारे एक कैटेगरी हो जाएगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पहला क्वेश्चन की बात करूँ अगर, तो इन्होंने प्रियम्बल के बारे में पूछा है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या हुआ, पॉलिटी का ये क्वेश्चन हो गया। प्रियम्बल के बारे में जो है संविधान में कौन से जो है करेक्ट कोट्स दिए हुए हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि नेहरू जी ने प्रपोज किया था वही प्रियम्बल बना, तो जी हाँ ये सही है। इट इज़ नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, जी बिल्कुल ये भी सही है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, नो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसको अमेंड कर सकते हैं आप। एंड इट कैन नॉट ओवर राइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिस फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपको 1, 2 एंड 4, उसके बाद तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन भी पॉलिटी के बारे में है, ये स्टेट लिस्ट में किस किस कंडीशन में जो है वो यूनियन पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है, तो देख सकते हैं पॉलिटी का क्वेश्चन। और ये कौन से क्वेश्चन में आएंगे, बेसिक्स में, ठीक है। तो आप देखते चलिए बेसिक्स के क्वेश्चन कितने हुए, 2 हुए। तीसरा है एसईजेड एक्ट वॉज पास बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो एसईजेड एक्ट बहुत ही फेमस एक्ट है, इसके लिए भी आपको इसको भी आप बेसिक्स में ही रखेंगे, क्योंकि आपको एक्ट्स जो हैं वो बहुत फेमस एक्ट्स हैं, जैसे मनरेगा एक्ट हो गया, एमजी नरेगा, आरटीआई, ये सारे एक्ट जो भी हैं उनके ईयर जैसे इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं आपके लिए। जैसे आईटी एक्ट 2000 का, ये 2005 में एसईजेड एक्ट आया था, ठीक है। फिर ये भी पॉलिटी का बेसिक, बिल्कुल बेसिक में से है कि गवर्नर जो है वो कब इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो डिस्क्रिशनरी पावर जहाँ जहाँ गवर्नर की है वो हम उसके बारे में ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की। आगे बढ़े तो ये यूपी से रिलेटेड है, तो हमारे पास 4 बेसिक क्वेश्चन के बाद पहला आया यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन। ओके, कि जो यूपी के किसी सिटी का मेयर होगा वो कौन कौन होगा, या तो इज अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, और एक्सरसाइजेस फुल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। आपको जहां तक पता है कि ये चारों ही सही स्टेटमेंट्स हैं। ओके, उसके बाद जो प्लानिंग है, इंडिया में प्लानिंग स्टार्ट हुई थी वो कंसिडर किया गया था एट एज अ प्री रिक्विजिट, तो ये इकोनॉमी है, तो अब इकोनॉमी का एक क्वेश्चन आया और ये भी बेसिक्स में आएगा। इकॉनमी जो है वो क्यों, किस चीज़ के लिए प्री रिक्विजिट मतलब प्री कंडीशन माना जाता है कि ये जरूरी है एक प्लानिंग के लिए, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन अगेन इकॉनमी, और ये आपको बेसिक नहीं कह सकते, आप इसको कॉन्टेम्प्रेरी में डालेंगे या करेंट में, कि जो रिसेंट पास में इंडिया को ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उसका कारण क्या क्या है, ठीक है। तो जो करंट इक्वेशन है दैट इज़ नॉट फॉर आवर रेलिवेंस, क्योंकि 2009 के करंट हमारे लिए बिल्कुल हिस्ट्री है वो। 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं इकोनॉमी अगेन, एंड नाउ इट इज़ बेसिक। जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस हैं, या तो ये आप इकोनॉमी में डाल सकते हैं या फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी डाल सकते हैं इसको, कि जो इंडस्ट्रीज लोकेशन है उसके लिए फेवरेबल क्या क्या होता है। तो शुगर इंडस्ट्री के बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो आपको बात करनी है कि कौन से सही है कौन से गलत है। अगेन बेसिक्स, कौन से इसमें आपको इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के मेजर नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये आप इजीली इसको लिख सकते हैं। फिर यूनियन बजट, ये आपका क्वेश्चन कहाँ से आ गया, बजट से, उस पर्टिकुलर ईयर के बजट से, कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का लार्जेस्ट आइटम है वो कौन, किस चीज़ के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स।
फिर आपके पास अब ये आ गया पॉलिटी। पॉलिटी में जो पार्ट वन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी क्या है, बेसिक्स। उसके बाद उपनिषद जो ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग शाहजहां, तो ये पता है आपको, तो ये भी आपके लिए मिडाइवल से बेसिक का पार्ट हुआ। फिर ये आपको क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करना है, मॉडर्न हिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक है, तो आपको पता है गांधी इंपैक्ट 31, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30, कराची सेशन अगेन 31, तो इसमें भी जनवरी में हुआ था कराची सेशन, जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट, तो उसके हिसाब से आप इसको अरेंज इजिली कर सकते हैं। इनको देश नायक बोला गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को बोला गया था, ये भी बेसिक। फिर ये बहुत ही बेसिक है, को इसने प्रिसाइड करा था फेमस लखनऊ सेशन को, एसी मजुमदार। फिर पूर्ण स्वराज जहाँ पे लिया गया था उसमें कौन प्रिसाइड किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू थे, बेसिक अगेन। अरुणा असफ अली, आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे थी, जो कि एक सीक्रेट रेडियो इन्होंने चलाया था उस टाइम पे। उसके बाद जो कार्डिनल फीचर्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया में, इंडिया के बारे में, तो ये भी आपको बिल्कुल बेसिक का पार्ट होगा कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में जो उसके कार्डिनल फीचर, जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, तो वो आप इजीली इसमें से देख के बता सकते हैं। ओके, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हाँ है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल। सुप्रीम पावर वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया, हाँ। एंड इट प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिफाइड अथॉरिटी, तो ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर स्वदेशी के कौन कौन से सपोर्टर थे, तो आपको पता है अरबिंदो घोष इसमें से स्वदेशी के सपोर्टर थे। उसके बाद कौन सा किस लिस्ट में आता है, तो ये भी बेसिक पॉलिटी। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट 22, ये 22 क्वेश्चन हो गया, राइट इक्वालिटी 14 से 18 तक होता है, तो 2, 3 और 4 आएंगे इसमें। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन, पॉलिटी बेसिक्स। प्रीएम्बल जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उसमें कौन कौन से टर्म उस टाइम पे नहीं थे, तो ये नहीं था, ये नहीं था और ये नहीं था, 1, 2 एंड 3। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 24 और 25 क्वेश्चन तक अगर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको कितने मिले हैं, 20+ बेसिक क्वेश्चन अभी आपको मिल गए। अब जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जैसे किसी के स्टेटमेंट्स, जैसे लेट नो मैन आस्क मैन सेक्टर्स कास्ट, तो ये स्टेटमेंट हो गया। फिर आपको बुक्स पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए फोक डांस, फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तबला, तो ये सारे जो हैं वो आपको कहाँ, कल्चर के पार्ट में इसको आप डाल सकते हैं, और ये ज़्यादा बेसिक आप नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो दे आर नॉट बेसिक। ये क्वेश्चन हो गया। फिर तमाशा कहाँ महाराष्ट्र की है, तबला जो है उसको अमीर खुसरो ने इंट्रोड्यूस किया था, ये बेसिक नहीं है। एनपीए अगेन बेसिक। फिर उस टाइम का जो बेस ईयर जीडीपी का था वो उन्होंने पूछा है, अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है ये क्वेश्चन, बट अगेन इट वाज आल्सो बेसिक। टोटल नंबर ऑफ पुरानास 18 है, तो ये भी बेसिक है आपका एंशिएंट के लिए। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये हमारा आ गया स्कीम्स, साथ साथ इसको आप बोल सकते हैं करंट। तो आपके लिए अभी के स्कीम्स जो है करंट में, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बैंक रेट बेसिक्स, अगेन दिस इज ऑल्सो बेसिक। ना ये आपको कृषि सिंचाई योजना के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में जो बेसिक्स हैं वो स्कीम के बारे में। फिर उज्जैन का एंशियंट टाइम में नेम अवंतिका था, अवंती उज्जैन जो, तो वो पूछा है यहाँ पे। फिर अगर आप बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, तो आपके लिए अब क्या दिख रहा है, आपको बेसिक्स के अलावा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, कल्चर। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई स्कीम्स जो करंट में है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स। नाउ अवार्ड्स,
आप इससे लिस्ट बना लेंगे इस वीडियो को देखते हुए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, बेसिक्स का अभी तक। जैसे राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड, तो अवार्ड से भी क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन हो गया ये इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन आ गया आप, और इन्वायरमेंट के ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक्स में से है। सेंसस के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब कि स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर क्वेश्चन भी आपको पूछ रहे हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ये आपके लिए उस टाइम का कंटेम्प्रेरी इशू और अभी का भी कंटेम्प्रेरी इशू है। ये साइंस एंड टेक से ये क्वेश्चन आपको पूछा है लोगों ने। ग्लोबल वार्मिंग अभी भी है, तब भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए इन्वायरमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, कौन से ईयर को माना जाता है, ये आपको वर्ल्ड का क्वेश्चन बोल दिया गया, मतलब बेसिकली जो पॉपुलेशन को लेकर एक डिवाइड हुआ था 1921 तक, पॉपुलेशन वॉज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग, देन अगेन इट स्टार्टेड बूमिंग, तो ग्रेट डिवाइड उसको बोलते हैं। फिर ट्री कवर कहाँ पे ज़्यादा है, तो ये आपको जो फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी 2017 वाला लेटेस्ट था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देन अर्बन पॉपुलेशन, तो सेंसस के ऊपर क्वेश्चन अगेन। भारत निर्माण, तो स्कीम के अगेन ऊपर क्वेश्चन। अब जो उस टाइम की स्कीम थी हम लोग अभी डिस्कस करें कोई फायदा नहीं है, बट हमें क्या सोचना है, हमें बस एनालाइज करना है पेपर को, हमें क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आ जा रहे हैं। ठीक है, देन अगेन अवार्ड, तो आप नोट करते चलिए कौन कौन से चाहिए, जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हैं वहीं पे आप अवार्ड के सामने एक और क्वेश्चन आया गया तो आप देख लीजिए। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज यानी मिलिट्री एक्सरसाइज, अब एक और टॉपिक, तो ये कहीं ना कहीं आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है वो करंट में ही आप इसको कवर कर लेंगे। देन फोर्ब्स के लिस्ट में जो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन है उसका नाम पूछा है इन लोगों ने। फिर कथक डांस किससे रिलेटेड है, फिर फोक डांस का मैच द फॉलोइंग पूछा है इन लोगों ने। उसके बाद नाउ क्रिकेट से क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी स्पोर्ट्स से मतलब। उसके बाद यूपी के जो फेमस पिलग्रिम सेंटर है जैन और बुद्ध धर्म दोनों के लिए, तो मतलब यूपी का स्पेसिफिक जो है वो आपको कल्चरल क्वेश्चन जो है यूपी से पूछे जाएंगे। फिर अब मैथ्स है, ये इग्नोर करिए। डांस फॉर्म्स, तो डांस फॉर्म्स आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेशनल अवार्ड्स डे जो है वो कौन सा अवार्ड है जिसको नेशनल अवार्ड्स डे के दिन नहीं दिया जाता है। ट्रेडिशन हाथरस एंड कानपुर, तो थिएटर ट्रेडिशन है ये। उसके बाद साइंस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर तो ये बेसिक्स क्वेश्चन में से आएंगे साइंस में। अब थर्ड एलोट्रोप जो कार्बन का था फलरीन, वो तीन लोगों ने मिलकर इसको दिया था, तो इसमें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज उनको मिला था, तो इसमें कौन सा वो एक मेंबर है जो नहीं था, तो फेमन वाज नॉट देयर। तो साइंस का ये बेसिक में भी है, करंट का भी पार्ट हो जाएगा। अगेन 31 इज बेसिक्स, जेट इंजन और रॉकेट, तो साइंस एंड टेक का ये बेसिक है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं साइंस एंड टेक से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं अभी तक। द बेस्ट प्रिजर्व पिलर इरेक्टेड बाय अशोका इज ऑफ सारनाथ, ये भी आपको एंशिएंट का बेसिक क्वेश्चन है। ना क्रोनोलॉजी पूछा है प्रेसिडेंट का, तो ये आपको बेसिक में ही आप इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट के नाम आपको पता होने चाहिए इंडिया के। अगेन बेसिक्स एंशिएंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिक एंशिएंट,
देन अगेन बेसिक एंशिएंट, देन उलर लेक कहाँ लोकेटेड है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस अगला हमारे टॉपिक, ठीक है। फिर सार कंट्रीज मतलब कि इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, वाम ओशियन करेंट, तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये पार्ट आ गया। बगलियार जो प्रोजेक्ट है वो किस रिवर के ऊपर है, तो ये हमारा आपको रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है, वो वाटर प्रोजेक्ट्स वो इम्पोर्टेंट हो गए। हाईएस्ट रेनफॉल पूछा है, तो फिजिकल ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे आपको 2009 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब हम लोग 2010 के बारे में अगर बात करें, तो अगर हम 2009 का एनालिसिस पहले कर लें, ठीक है, मान लीजिए हम 2009 का एनालिसिस करते हैं फिर 10 पे चले। तो सपोज हम 2009 का एनालिसिस करते हैं, तो आप देख सकते हैं 75% क्वेश्चंस आर फ्रॉम बेसिक्स, सबके पॉलिटी एंशिएंट मिडाइवल। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि बेसिक्स में तीन चीज़ों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिले आपको, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस। फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा होंगे सबसे ज़्यादा, देन यू हैव ज्योग्राफी, फिर बाकी सारे टॉपिक जो होंगे वो 75% में बेसिक्स। जो 20% है दे आर कंटेम्प्ररी में करंट, और कंटेम्प्ररी में क्या क्या है, अवार्ड्स प्लस सेंसस, उसके बाद स्कीम्स, ठीक है, फिर स्पोर्ट्स, और आपको जो समिट्स वगैरह हुए हैं या फिर इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, वो सारी चीज़। फिर 5% क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, दैट मीन्स कोई भी बुक का नाम, स्टेटमेंट्स, फेमस सेइंग्स, कोट्स, ये सारे कुछ। तो ये आपको 2009 के पेपर एनालाइज हुआ। 10 के बारे में अगर बात करें, तो फोक डांस ऑलरेडी हमने देख लिया कि हाँ फोक डांस जो है वो इम्पोर्टेंट है UPSC के लिए। देन सुइल रिवर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड है, तो हिमाचल प्रदेश इज द आंसर। तो हमारे लिए क्या हो गया, ज्योग्राफिकल लोकेशन बोथ इन आवर कंट्री एज वेल एज ग्लोबली और वर्ल्ड का भी, ठीक है। तो वैसे ही आपको दामोदर रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा, फिर डिसेबल्ड के लिए कौन सी स्टेट ने यूनिवर्सिटी, तो उस टाइम का क्या हो गया ये करेंट। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है, तो अगेन इट इज़ द करेंट आस्पेक्ट, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन उसी टाइम 100 साल पहले ही आया हुआ था, तो ऑयल सीड्स आर नॉट देयर। फिर आपको जो फेमस पर्सनालिटीज और कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर थे वो लोग, वो मैच द फॉलोइंग पूछा है, तो ये आपको बेसिक में ही हम लोग कंसिडर करेंगे इसके कल्चर के पार्ट में। नाउ ये फोक सॉन्ग्स हैं, तो एंशियंट अगेन कल्चर बेसिक्स। नाउ अगेन फोक डांस, सॉरी फोल्ड लिखा हुआ है, फोक डांस ऑफ यूपी कौन सा नहीं है, मुड़िया इज नॉट देयर, तो अगेन फोक डांस इज ऑल्सो फ्रॉम द बेसिक्स पार्ट ऑफ एंशियंट। रिसेंटली सुकमा केस, सुकना केस, सो करेंट अफेयर्स अगेन, तो थ्री इडियट्स बुक जिसके ऊपर, जिस बुक के ऊपर बनी थी
उसके जो राइटर थे वो चेतन भगत। तो करंट हो गया वो बुक के बारे में। नाउ इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में है, यानी कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो ये स्कीम का भी पार्ट है और बेसिक्स का भी पार्ट है किस टॉपिक के, एग्रीकल्चर टॉपिक के हमारे। फिर नए ट्राइब्स को यूपी में बनाया गया है, किस ईयर में 10 नए ट्राइब्स आए थे, तो ये भी आपको जो है वो यूपी से स्पेसिफिक रिलेटिव क्वेश्चन हो गया, यूपी स्पेसिफिक। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन, तो कमिटीज जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई, फेमस कमिटीज जो है, कमीशंस। ओके, तो आप वीडियो के साथ साथ इसको लिखते चले, वॉट एवर टॉपिक इज इम्पोर्टेंट प्लीज डू राइट इट अलॉन्ग विथ द लेक्चर इटसेल्फ। फिर नेम ऑफ द राइटिंग फिल्म और इंस्पायरिंग द फिल्म, ठीक है, किसे इंस्पायर होके बनाया गया है, जैसे थ्री इडियट्स, 5.1। तो बुक के बारे में क्वेश्चन है, कौन लिखा है, बुक्स एंड द पब्लिशर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो ये भी टॉपिक आप वहाँ पे लिख लीजिए। फिर दुनिया का पहला सैटेलाइट जो कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को मॉनिटर करने के लिए लॉन्च किया गया, वो जापान जाक्सा ने किया। तो करंट साइंस एंड टेक, प्रोजेक्ट एरो, तो स्कीम और प्रोजेक्ट में हम लोग इसको मान के चलेंगे। एग्रीमेंट्स ऑफ इंडिया विथ अदर कंट्रीज, फिर ये उस टाइम के फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात थी। तो अभी हमारा रिसेंट 2022 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो माइट भी वो पूछ दे कहाँ होगा, तो कतर में, या फिर ओलंपिक्स होने वाले हैं 2020 में, तो ये सारे आपको इम्पॉर्टेंट है। फिर अगेन अगर यूपी का इलेक्शन हुआ है रिसेंटली, आइदर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे कि किस पार्टी ने कितने सीट जीती है। देन अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो आपको पता है कि इस साल का भी अवार्ड जो हमें दिया गया है आपको इंडिया में, किसको, रविश कुमार को। जिन कॉमनवेल्थ गेम जो होने वाले थे उसके बारे में पूछा गया, तो ये नए जो लोकेशन चूज किया गया था 2014 के लिए, दैट वाज ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो ऑब्वियसली पूछ सकते हैं अगले 4 साल के बाद में, तो हो सकता है कि ओलंपिक में भी 2020 की बदला 2024 का पूछ दें, या फिर वो सारे जो भी इवेंट्स जो कि इंडिया में होल्ड होने वाले हैं अगले 4-5 सालों के बीच में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे अभी हॉकी वर्ल्ड कप का जो आपको है 2022 का होस्ट इंडिया को बना दिया गया है, तो उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट से क्वेश्चन हो गया, ओलंपिक गेम देखिए 2016, यू कैन सी 2010 में 2016 के ओलंपिक गेम्स का लोकेशन पूछ रहे हैं, तो दैट यू कैन सी हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 2020 में ओलंपिक्स हो रहे हैं तो 20 का पूछेंगे, वो लोग 24 का भी पूछ सकते हैं। मैस्कॉट जो था कॉमनवेल्थ का वो पूछा है इन लोगों ने, तो मैस्कॉट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी आने वाले ओलंपिक्स का, और साथ साथ जो 22 में कॉमनवेल्थ होने वाला है उसके भी लोकेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है। जो रिसेंट सीरीज हुई होंगी इंडिया की, बाइलेटरल, ट्राइलेटरल या मल्टीलेटरल, कितनी कोई भी सीरीज अगर क्रिकेट में है, तो उससे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कौन सा प्लेयर को बेस्ट परफॉर्मेंस मिला, ये सब भी पूछे जाते हैं। नाउ बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम इंडस्ट्री सेक्टर, किस इंडस्ट्री में माइका को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, तो दैट इज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। बीटी कॉटन के लिए तो वायरस इज एसोसिएटेड, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि ये साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। देन ये मैच करने के लिए पूछा है कि इंडियन जो आपको ये जो डिफेंस सिस्टम्स हैं अलग अलग जगह पे, वो कौन किसने डेवलप कराया और किससे मैच करने के लिए पूछा हुआ है, तो साइंस एंड टेक का, डिफेंस टेक्नोलॉजी का ये बेसिक्स है।
ये साइंस एंड टेक का कि कौन किससे मैच सही नहीं है, अगेन बेसिक्स। पूरा साइंस एंड टेक का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको साइंस को तीसरे नंबर पे रखा था पॉलिटी इकोनॉमी के बाद, 2009 के एनालिसिस के बाद। देन अगेन आपको ये सारे साइंस के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल साइंस के बेसिक्स में से ही है क्वेश्चन, कुछ भी जो है वो करंट का भी क्वेश्चन नहीं है, सारा साइंस का क्वेश्चन है बेसिक्स में। किसने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था बट उसको देख नहीं पाए थे? ऑब्वियसली बाल गंगाधर तिलक, बिकॉज 1 अगस्त ही डाइड, ओके, एंड 31 अगस्त को जाके नॉन कॉपरेशन की जो है वो ऑफिशियली जो है अनाउंस कर दिया गया था, तो दैट इज़ वाई ही डिड नॉट सॉ इट, बट डेफिनेटली वॉज इन सपोर्ट। तो बेसिक मॉडर्न, फिर साइंस आ गया, बेसिक्स है साइंस, अगेन अगेन सिल्वर सॉल्ट साइंस। अरुण आसफ अली, अभी हमने देखा 2009 में भी पूछा था क्वेश्चन, 2010 में भी पूछा है, देयर आर सर्टेन क्वेश्चन दे आर रिपीटिंग। उसके बाद होम रूल मूवमेंट से कौन कौन एसोसिएटेड था, बिल्कुल बेसिक है मॉडर्न का। फिर क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करना, ये भी बिल्कुल मॉडर्न का बेसिक्स, अगेन 62 इज बेसिक। नाउ द स्टेटमेंट्स, तो दीज थिंग्स आर वेरी यू कैन से रेयर बट दे आर एक्चुअली डिफिकल्ट, कि किसने ये बातें बोली थी। तो फेमस जो कोट्स और सेइंग होंगे ना इंडियन नेशनल मूवमेंट के, एटलीस्ट वो आपको ध्यान में होने चाहिए, तो आप इसको लिख लीजिए वहाँ पे। देन अगेन दर्शना साल्ट डेपो, तो ये भी आपको बेसिक है मॉडर्न का। द रिवोल्ट एंड रिबेलियंस, जो ट्राइबल रिवोल्ट, पीजेंट रिवोल्ट, ये सारे रिवोल्ट थे, तो वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिक नहीं आएगा। देन गौतम बुद्धा, सो एंशिएंट में आपको ये जो है वो बेसिक क्वेश्चन हो गया बुद्धा के ऊपर। अगेन एंशियंट जो लोकेशंस हैं टेंपल्स का, वहाँ पे कौन सा टेंपल और केव है, वो ये एंशियंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। फिर ये क्रोनोलॉजी में अगर आप अरेंज करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये बेसिक क्वेश्चन ही है। एंशियंट सर्वस्ती जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में था, फिर अगेन वो बेसिक। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ है, तो गुजरात में है। फिर यूपी स्पेसिफिक किसान भाई योजना जो है कब स्टार्ट हुई थी, तो ये सब क्वेश्चन वही है जो कि बहुत ही रेयर केसेस में आपको मिलेंगे भी और आपको आते भी होंगे, ये बहुत ही रेयर ही है। देन गुप्ता एंशियंट, पाणिनि पतंजलि अगेन एंशियंट, किस एम्पायर का किस कौन से बैटल से रिलेशन है, तो वो आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स में से ही है ये। गीता गोविंद जयदेव ने ऑब्वियसली उसको कंपोज करी थी, तो ये भी एकता सिस्टम इल्तुतमिश ने स्टार्ट करा था, तो टेंपल आर्किटेक्चर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस वाले आप देख सकते हैं इस ईयर में। अभी चौनों फॉलोइंग फेमस है पृथ्वीराज चौहान, तो ऑब्वियसली पृथ्वीराज थर्ड जो थे वो फेमस थे इसके लिए। ये सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं हिस्ट्री के, ये बेसिक में, करंट के क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। फिर अगेन बुक्स, तो नॉट इंक्लूडेड इन यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट, ये आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के जो आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं वो, फिर सेंसस से क्वेश्चन है,
सेंसस हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट, तो ये भी सेंसस का क्वेश्चन हुआ। अच्छा आप देख सकते हैं कि 2009 2010 दोनों में सेंसस का क्वेश्चन है, एंड यू नो कि 2011 में नया सेंसस आ गया था, तो हमारे लिए इस टाइम पे 2019 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेंसस 2011 का, बिकॉज 2021 में नया सेंसस आने वाला है, दैट इज वाई। रिसेंटली इंक्लूडेड नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, तो करंट के क्वेश्चन हो गए इंडिया से रिलेटेड। इकोनॉमी का बेसिक यूपी स्पेसिफिक है कि यहाँ यूपी में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है, तो कानपुर में है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो बेसिक हो गया आरबीआई का, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। टीआरआर अगेन बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, एसईजेड इट वाज आस्क्ड इन 2009 आल्सो, नाउ इट इज बीइंग आस्क्ड इन 2010 आल्सो। सो क्वेश्चंस आर आल्सो रिपीटिंग, दो तीन क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। इन पॉलिटी बेसिक्स, ये जो पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स के टाइम पे कौन सा इशू होता है, तो सर्टियो सेक्युलरिज्म वॉज एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट, मिड डे मील स्कीम, तो स्कीम्स के बारे में क्वेश्चन हो गया। फिर से राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन किस कमेटी में नहीं है, तो ऑब्वियसली एस्टिमेट्स कमेटी जो है वो पूरी पूरी लोकसभा की कमेटी होती है। लेकिन बेसिक्स ऑफ पॉलिटी, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, देन आर्टिकल्स मैच करने के लिए पूछे गए हैं। द क्रोनोलॉजी ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, कौन सा स्टेट सबसे पहले बना, कौन बाद में। फिर मैथ्स के ये क्वेश्चन है, नाउ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BSNL, तो किसी भी पब्लिक सेक्टर जो है अंडरटेकिंग्स है उनके ब्रांड एम्बेसडर भी पूछे जा सकते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर, तो ऑब्वियसली मुंबई है। बेसिक्स इकोनॉमी, ऑरोरा बोरियलिस के लिए आयोनोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल, तो साइंस एंड टेक अगेन बेसिक्स, या फिर आप ज्योग्राफी में भी एटमोसफेयर में इसको बेसिक में। रूर बेसिन जर्मनी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इक्वेटर पे कौन कौन से लोकेशन, तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको लोकेशनल सेटिंग्स जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कौन सा कहाँ पे लोकेटेड है। अगर 900 ईस्ट रिज लाइज इन, तो ये भी वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको क्वेश्चन हो गया। रिफ्ट वैली के थ्रू नर्मदा फ्लो करती है, तो व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर, तो 2009 एंड 2010 अगर मैं समराइज कर दूं आपको, तो आप लिस्ट तो आपने ऑलरेडी लेक्चर के साथ साथ बना ली होगी, बट मैं बता रहा हूँ, क्वालिटी, इको, देन साइंस, फिर ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल, ठीक है। और इन दोनों से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कल्चर से, डांस और फोक डांस, ये आपको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन। फिर करेंट में जो क्वेश्चन है वो किस पार्ट से आ रहे हैं, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी, स्पोर्ट्स, उसके बाद बुक्स, टीम्स, अवार्ड्स, प्राइजेस जो भी है, तो दीज आर थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन करेंट। देन वी हैव द स्पेसिफिक यूपी क्वेश्चन, तो 75%, 20%, 5%, एंड इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन विल रिपीट एवरी ईयर। अभी तक 2 साल का ट्रेंड ये है, ठीक है। फिर हम लोग दूसरे ट्रेंड के साथ हम लोग आएंगे 2011 और 12 का, जब पेपर लेकर आएंगे 2 दिनों बाद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड टुमारो द 3rd डे वी विल बी डूइंग द करेंट अफेयर्स ऑफ
जनवरी एंड फेब्रवरी मंथ, ओके। एंड सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़। और जो मटेरियल है, ये दोनों क्वेश्चन पेपर का जो मटेरियल है, वो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे और भी चीज़ें आपको मिलेंगी इंटरेस्टिंग। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फ्रेंड, सी यू टुमारो।